चुरा के ले आए हैं कहीं से, पता है पहले कितना दिन तक। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। तो आज हमारा ब्लॉग स्टार्ट होता है अपना दुकान में। तो अभी 11:30 बज चुका है और अभी हम नहा धो के तो आ चुके हैं दुकान अभी, और सारा काम ख़त्म हो चुका है मेरा घर में। तो अभी आ गए हैं और मेरा साथ श्रियांश भी यहाँ पे आया हुआ है, और अभी थोड़ा देर ही हम पहले ही आए हैं। तो एक दो कस्टमर आ चुके थे, अगर दुकान नहीं खोलते तो घर पर तो लगता है ना कि कोई कस्टमर आएगा या नहीं, पता नहीं, लेकिन आने के बाद तो कोई ना कोई आ ही जाते हैं। अभी स्कूल छुट्टी सबका हो रहा है, आज सैटरडे है, तो किसी किसी का स्कूल ना जल्दी छुट्टी होता है 1 घंटा आधा घंटा का हर दिन का मुताबिक। तो हमारी काव्या का ऐसा नहीं है, तो अभी हमें 1 घंटा का टाइम बचा हुआ है। तो अभी हम जल्दी जल्दी दुकान में जितना सारा सामान है उसको सरिया लेते हैं, कुछ कुछ लाए थे सामान कल हस्बैंड जी उसे, और फिर हम झाड़ू पोछा कर लेंगे दुकान में, उसके बाद चले जाएंगे काव्या को स्कूल से लाने के लिए। तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, आज हम काव्या का भी स्कूल दिखाएंगे कि कैसे कैसे जाना पड़ता है और कितना दूर है काव्या। उसके बाद जरूरी कुछ बात है कि दुकान में हम कितना कमाते हैं, बहुत लोगों का उम्मीद है जानने का, और बहुत कुछ पूछते भी है कि दुकान में कितना कमा लेती हो, दुकान में रहती है दुकान खोल। तो आज हम सबका सवाल का जवाब देंगे कि हम दुकान में कितना कमा लेते हैं। तो आप बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। तो अभी हम दुकान का थोड़ा साफ़ सफाई करते हैं, ये है चार्ट पेपर लाए हुए हैं, तो इसको भी अभी सही जगह में कहीं रख देंगे, और पूरा इधर उधर पूरा सामान अभी बिखर गया है तो उसको भी अभी साफ़ करना है हमको। तो यार हमारा सरिया से चूड़ी बेचने के लिए क्या कर रहा है, चूड़ी का डब्बा खोद रहा है, देख लीजिए। और वो तो जाने दुकान आने में बहुत पहले ही तैयार रहता है आने के लिए, और एकदम गर्मी भी लग रहा है, नहा खाने के बाद भी इतना गर्मी लग रहा है। रुक जाता है बार बार फोन आधा, तो डिस्प्ले चेंज करने के बाद तो एकदम फोन आधा खराब ही हो गया है एकदम, पता है दुकान एकदम ठग दिया हम लोग को, बोला कि डिस्प्ले चेंज करने के 3 महीना गारंटी दे रहे हैं, लेकिन 3 महीना क्या, 1-2 दिन में ही डिस्प्ले चेंज, मतलब चेंज करवाने गए तो नहीं हुआ, मतलब ठीक ही नहीं चलता है, हैंग करता है बहुत ही फ़ोन। कहते हैं ना कि मतलब 3 महीना की गारंटी, लेकिन कोई गारंटी नहीं देता, बुड़बक बना के रख दिया मोबाइल दुकान वाला हम लोग को। वो बोले कि 3 महीना की गारंटी दे रहे हैं, हैंग नहीं करेगा। अच्छा फिर एक बार गए हम लोग, फिर गए तो वो बोल दिए कि नहीं इसका ना थोड़ा सा किट हिल गया था अंदर का, इसीलिए थोड़ा हैंग करता है मोबाइल, मतलब अपने आप ना जो सो आने लगता है फ़ोन में, तो यही दिक्कत है हमारा फ़ोन का। और फिर एक दिक्कत और भी है कि जैसे तो अपने आप आने ही लगता है, फिर वो बोला कि हम चेंज कर देंगे, फिर दूसरी बात कि वो चेंज नहीं किया, किट हिला हुआ ऐसे कह के फिर गए 10 दिन के बाद, 2-4 दिन में, मतलब 1-2 दिन में, मतलब चलाने के बाद पता चल गया कि हिलता है, लेकिन जाने का टाइम नहीं मिलता, अभी डेली मार्केट जाने हमेशा दुकान वकान छोड़ के, और फिर टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो 2-3 दिन मतलब देरी करके ही गए। तो फिर बोल दिए कि नहीं इसका ना ऊपर गार्ड लगा हुआ है, स्क्रीन गार्ड, इसके वजह से खराबी कर रहा है, तो इसको चेंज करवा दीजिए तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो भी ठीक नहीं हुआ, फिर उसको चेंज करवा दिए। फिर क्या हुआ, घर पर आए 1-2 दिन में ही सीरियस मोबाइल को थोड़ा सा स्क्रीन फोड़ दिया, मतलब थोड़ा सा, फिर सारा गारंटी वारंटी सब ख़त्म हो गया। फिर गए तो बोल रहे इसका तो फूट गया, अब गारंटी तो ख़त्म हो गया, तो गारंटी हम जिस दिन कबाड़े ना, तो हम ही हस्बैंड जी से यही कह दिए कि इसको स्क्रीन गार्ड अभी निकाल दिए, तो स्क्रीन गार्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, स्क्रीन गार्ड लगाया जाता है उसके ऊपर में सेफ्टी के लिए ना, अगर उसी को उखाड़ दीजिएगा थोड़ा सा गिरेगा फूट जाएगा, ना कवर लगाए हैं और ना स्क्रीन गार्ड, तो फिर वापस तो नहीं करेगा, चाहे कितना भी उसके साथ आगे गिड़गिड़ा लीजिए, और गारंटी वारंटी पहले ही से तो खराब ख़त्म हो जाए, लिखता के आगे भोगता कुछ काम नहीं करता, इसीलिए जो मतलब दुकान ला तो पूरा तरह से बेवकूफ़ बना ही दिया था। खैर छोड़िए, अब तो हमको मोबाइल मतलब किसी तरह तो चलाना है, जब उनसे हम पूछे ना ये मोबाइल अगर आपके पास भेज देंगे तो कितना पैसा दीजिए, तो बोलते हैं 3500 देंगे, ये हमारा मोबाइल का 3500, 1500 रुपये तो खर्चा हो ही चुका था स्क्रीन गार्ड लगाने, फिर 3500 मिलेगा। तो हम अपना फ़ोन अगर अभी हम नया ख़रीदने जाएंगे 10 से 15 हज़ार रुपया लगेगा, मतलब 10 हज़ार का तो फ़ोन नहीं आता है, मतलब 15 हज़ार तो लग ही जाएगा, तो हम क्यों बेचेंगे, इससे अच्छा है कि इसे को भी चला रहे हैं, और जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो फिर हम अपना दूसरा फ़ोन ख़रीद लेंगे, अभी जब तक चल रहा है तब तक इस फ़ोन को चलाना ही पड़ेगा, इसीलिए कभी भी मोबाइल फूटता है ना तो स्क्रीन गार्ड एकदम कंपनी वाला को ही देना चाहिए, चाहे 2 रुपये ज़्यादा लगे, 200
गारंटी मतलब फुल गारंटी, डेयरी मार्केट में कुछ काम ही नहीं कराना चाहिए तो अच्छा काम ही नहीं करता वो लोग, खाली गारंटी वारंटी नाम का दे देता है और फिर ऐसे ही बेकार पड़ जाता है। खैर छोड़िए, हमारा फ़ोन मेरे साथ जो धोखा हुआ सो तो हुआ, अब हम चलने करते हैं काम, काव्या को लाने का भी टाइम हो चुका है, तब मिलते हैं थोड़ी देरी बाद आप लोग से, कुछ काम कर लेते हैं। श्रियाम तुम क्या कर रहा है, पिप पिप कर रहा है, दुकान में खाली रहने से नहीं होता है, दुकान का बहुत सारे काम होते हैं, दुकान में सामान सरियाना, ऐसे थोड़ी कि लोगों को लगता है ना कि लोगों को क्या कोई को कहता है, मेरे को खाली जाके दुकान में बैठते ही वीडियो बनाते रहते, ऐसा नहीं है कि दुकान में आते हैं खाली वीडियो बनाते रहते हैं, हम यहाँ बैठ गए हैं दुकान में खाली बैठा नहीं रहते, दुकान का सारा सामान भी सरियाना पड़ता है, सामान को मैनेज करना पड़ता है, लिस्ट बनाना पड़ता है, इसीलिए कदर किया करो भाई, ऐसा मत कहा करो कि खाली दुकान में जाती है खाली वीडियो बनाते रहती मुँह चकराते रहती, ऐसा बात नहीं है, कोई भी कुछ भी करता है तो मेहनत लगता है हर चीज़ में, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता। सो गाइस, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में हमें बताइएगा अच्छा भला बुरा जो भी हो हमारे वीडियो से लेकर, या फिर किसी चीज़ का दिक्कत परेशानी तो हमारे कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं आप, हम सब कमेंट ज़रूर पढ़ते हैं और कमेंट का रिप्लाई भी हम ज़रूर देते हैं। तो यहाँ पर हम अभी दुकान का साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर लेते हैं, सावन का पहला सोमवारी भी आने वाला है तो थोड़ा साफ़ सुथरा भी बहुत ज़रूरी है, ऐसे भी तो बीच बीच में हम साफ़ सुथरा करते ही रहते हैं, पूरा जाला उड़ते रहता है दुकान में, पता नहीं कैसे इतना जल्दी जल्दी हो जाता है जाला, तो हमें लगता है कि धुआं जलाते हैं ना इसके वजह से, धुआं के वजह से हो जाता है कि क्या हो जाए, यहाँ पे ना मकड़ी ही बहुत ज़्यादा कहाँ जा रहा है दीदी को लाने, चलो जाएंगे बाइक से रास्ते। ये रहा मनी प्लांट, आने से मैंने चोरी करेंगे इस मनी प्लांट का, घर पे लगाएंगे, और काव्या को इसको हम लोग वहाँ जाएंगे रोड पे मिल जाएगा ऑटो, हम बैठेंगे ऑटो में आज चले जाएंगे, देखते हैं। हाँ बैठ गए हैं गाड़ी में, कहाँ जा रहा है दीदी, कहाँ जा रहा है दीदी, बुलाने जा रहा है, चल के जाते हैं फिर गाड़ी से जाना बहुत नहीं बड़ा लगता है। रास्ता में आ ही रहे थे घर पहुंचने ही वाले थे, तो रास्ता में एक कस्टमर आएंगे, चलिए ना दुकान खोल के हमें जल्दी से दे दीजिए ना, एक बहुत अर्जेंट शादी में जाना है, कान बाली खरीदने थे, फिर हम लोग दुकान के चाबी तो हम लेके ही गए थे इधर से, दुकान तरफ से ही गए थे तो घर में चाबी नहीं रखे थे अपने पास ही लेके गए थे, तो चलो हम बोले चलिए ठीक है तो खोल देते हैं इतना अर्जेंट है, तो अभी उसके बाद यहाँ पे कस्टमर आई, उसके बाद कान वाली ही खरीदी, और फिर दूसरा कस्टमर और भी आया, उन लोग भी सामान खरीदे,
अगर अभी हम चल जाते घर तो भी हमारा दुकान में सामान नहीं बिक पाता, इसलिए सो गाइस हम लोग आ गए काव्या का स्कूल से लेके, और श्रियांश भी हमारा बहुत परेशान किया आज, हम लोग पता है भुला गए थे स्कूल जाने, छोड़ के कहीं और चले गए थे, पता है क्या ऑटो वाला को बोले हमको वहाँ पे जाना है एले गार्डन, ठीक है, तो ऑटो वाला है ना सो हम लोग को कहीं और ले गया, हम तो पीछे बैठे हुए थे ध्यान ही नहीं दिए, हम सोचे कि चलो ऑटो वाला तो ले ही जाएगा, फिर थोड़ा दूर चल के देख रहे हैं अरे हम तो किधर दूसरा रास्ता में जा रहे हैं, रेलवे फाटक तो आ ही नहीं रहा है, फिर जाके उतरे वहाँ से, फिर पैदल पैदल आए, फिर जाके ऑटो में चढ़े, उसके बाद हम लोग गए, इसीलिए 5 घंटा लेट हो गया था हम लोग को स्कूल पहुँचने से, और फाइनली हमारा एक ये काम हो चुका है, ये हम लगाएंगे लगाएंगे, लेकिन आज हम लेके ही आए, दिखा एक दिन और जा रहे थे ना स्कूल तो हम इसको देखे थे कि वहाँ पे है, लेकिन लाए नहीं थे, लेकिन आज हमको याद करके इसको लेके आ रहे हैं, बताइए ये वाला क्या है, ये क्या क्या है, कौन कौन इनको जानता है नाम कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ये ऐसे तो हम बता ही देंगे, लेकिन आप लोग से पूछ रहे हैं एक सवाल कि ये है क्या चीज़ का पौधा, इसको कहाँ पे लगाएंगे, अभी देखिए दुकान में लगाएंगे यहाँ पे, और एक घर जा कर के लगाएंगे घर में, इसमें मिट्टी में ही लगाएंगे, बहुत को है कि पानी में ही डाल के छोड़ देता है तो भी बड़ा हो जाता है, लेकिन हम पहली बार लगे, एक बार और लगाए थे लेकिन यहाँ पे ना नहीं उगा था, मतलब सड़ गया था, हमको आइडिया ही नहीं था कि इसको कैसे देखभाल करना चाहिए, क्योंकि अगर पानी में डाले थे तो गल गया था पानी में, बढ़ा ही नहीं था, तो बाद में हमको पता चला है, पूरा भी जानकारी इसका लिए है कि इसको कैसे लगाया जाता है और कैसे देखभाल किया जाता है, ठीक है, अब ये मरने हम नहीं देंगे, कितना दिन से हम सोच रहे थे अपना घर में इसको लगाएं, तो आज लगाएंगे, अभी जा रहे मिट्टी लेके आएंगे खेत तरफ से, उसके बाद मिट्टी में डाल के लगाएंगे, और एक दुकान में रख देंगे और एक ले जाएंगे घर पे, जा रहे अभी मिट्टी कोड़ने के लिए, चलते हैं, ये प्लास्टिक में ले आएंगे भर के मिट्टी, मिट्टी कोड़ने के लिए करनी लेके आए हैं, इसको कई दिन तक रखे हैं कि ले जाएंगे लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, अभी हम चलते हैं, चल श्रियांश जाएगा मेरे साथ, चल श्रियांश आराम चलते हैं, काव्या तुम दुकान में रहना ना, कोई कस्टमर देखो यार बोल फेंक दिया बाबू ने, उठा उसको उठा, चलते हैं हम लोग मिट्टी कोड़ने के लिए, काव्या तुम यहीं रहना ना, कोई कस्टमर आएगा तो हमको बुलाना, ठीक, हाँ कब ले गेट से बुलाना, ज़्यादा दूर थोड़ी हम जा रहे हैं, चलो देखो कुत्ता, चलो आ जाओ जल्दी आ जाओ, चलो आ जाओ, क्या क्या हुआ, जल्दी चलो ना दीदी फिर अकेले रहेगी, चलो फिर घर जाएंगे, चलो जल्दी आ जाओ, आ जाओ दौड़ के आ जाओ, यहाँ से ले जाएंगे मिट्टी, देखिए यहाँ पे तो गाइस यहाँ से हम लोग खाली ज़मीन है यहाँ पे, तो यहाँ का ना मिट्टी बहुत ही अच्छा था, पौधा 8 दिन पानी नहीं डालेंगे ना तो भी नहीं मरता है, तो यहाँ पे तुलसी पौधा लगाए थे इसीलिए गए थे, तो बहुत ही अच्छा ही निकला, तो इसीलिए यहीं से ले जा रहे हैं, और इधर कहीं तो मिट्टी है ही नहीं तो यहाँ पे ले जाएंगे, और ये मिट्टी ना बहुत ही अच्छा है, इसमें सूखता नहीं है, इसलिए तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मिट्टी कोड़ने वाला ले आए थे, तभी बारिश भी हुआ था, तो ड्रेस खोलो, श्रियांश को इतना कस के भूख लग गया कि तुम रोटी कोड़ाता दे दिए तो खाने लगा, भूख लग गया था बेटा, हाँ हमको भी बहुत भूख लगा, हम लोग चलते हैं खाना खाने, खाना निकाल लिए हैं हम, हाँ तो नहीं लगा है तो आराम करो तुम, 1 घंटा और सूख जा, गाइस हमारा दिन भर का ब्लॉग हम सारा कैद करके रख दिए हैं, तो आप सबका ब्लॉग कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारा चैनल को